हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल टुडे वी स्टडी अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक ऑफ क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नाइन इंटरनेशनल ट्रेड सो लेट्स बिगिन द चैप्टर फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एमोंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज तो सबसे पहले हम देखेंगे की ट्रेड जो है हमारा वो टू टाइप्स का होता है एक होता है नेशनल ट्रेड और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड नेशनल ट्रेड क्या होता है जो विद इन द कंट्रीज हो जो कंट्रीज में हो और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है जो विद इन द ग्लोब हो जो पूरे ग्लोब में हो किसी भी कंट्रीज़ के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज़ का ट्रेड हो सकता हो तो था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड और स्पेशली हम इस बुक में इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड इसका हिस्ट्री क्या है इन एनसियन टाइम ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वॉज रिस्की जो एनसियन टाइम था हमारा तो जो दूर दूर के जो देश थे वहाँ तक गुड्स को ले जाने में ट्रांसपोर्ट करने में क्या होता था रिस्की होता था क्योंकि जो थेफ्ट वगैरह होते थे चोर वगैरह का डर होता था इसलिए प्रॉब्लम होती थी थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने में इसलिए ट्रेड कहाँ होता था तो जो लोकल मार्केट्स होते थे वहीं तक होता था जो पास के जो मार्केट्स होते हैं जो पास होते थे वहाँ पर होता था नेक्स्ट हमारा पीपल यूज़ टू सेटिसफाइड देयर इमीडिएट फैसिलिटीज़ और पीपल स्पेशली क्या लेते थे वहाँ से क्या बाई करते थे जो इमीडिएट फैसिलिटीज़ की जो चीज़ें होती थी जो इमीडिएट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके वो चीज़ें खरीदते थे ओनली रिच पीपल यूज़ टू ब्रिंग ज्वेलरी एंड अदर ऑर्नामेंट्स द सिल्क रूट इज़ एन एग्जाम्पल कनेक्टिंग विथ चाइना एंड रूम सिल्क रूट क्या है जो चाइना और रूम को कनेक्ट करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है जो क्या करता था पुराने समय में सिल्क को यहाँ से ट्रेड किया जाता था उसकी ट्रेडिंग की जाती थी इसी रूट से द स्लेव ट्रेड वॉज स्टार्टेड विद द कोलोनाइजेशन स्लेव ट्रेड कब स्टार्ट हुआ कोलोनाइजेशन में इसमें क्या होता है जो डच और बहुत सारी कंट्रीज के जो लोग होते थे उनको ब्रिटिश लोग क्या करते थे दूसरी कंट्रीज में उनका ट्रेड करते थे उनको बेच देते थे आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर गिवेन इंपॉर्टेंस जो इंडस्ट्रियल रिवोलूशन हुआ हमारा उसके बाद क्या हो गया रॉ मटेरियल्स का और फिनिश प्रोडक्ट्स का क्या हो गया इंपॉर्टेंस बढ़ गया उसका ज़्यादा ट्रेड होने लगा ड्यूरिंग वर्ल्ड वार्स फर्स्ट एंड सेकेंड मैनी कंट्रीज इम्पोज टैक्सेज जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड हुआ हमारा बहुत सारी कंट्रीज़ को क्या हो गया टैक्सेस का इम्पोज करना पड़ गया नेक्स्ट हमारा आफ्टर द वर्ल्ड वॉर जी ए टी टी वॉज फर्मड जब वर्ल्ड वार हमारा हुआ उसके बाद क्या हुआ हमारा जी ए टी टी जो है वो फॉर्म हुआ हमारा जीए टी टी बना जीए टी टी एक्चुअली होता क्या है तो जो जीए टी टी हमारा था उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रैफिक्स तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पहले हम देखते हैं इस टॉपिक को वाई डज़ इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट ये इंटरनेशनल जो ट्रेड है हमारा वो एग्जिस्ट क्यों करता है वो क्यों होता है स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन हर जगह पे क्या होता है दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में प्रोडक्शन क्या होता है हर चीज़ का अलग अलग होता है हर सारी जगहों पे अलग अलग चीज़ें होती हैं डिवीज़न ऑफ लेबर कंपरेटिव एडवांटेज कम्प्लीमेंट्री एंड ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज म्यूचुअल बेनिफिट म्यूचुअल बेनिफिट्स हो सके इसलिए क्या होता है ये इंटरनेशनल ट्रेड होता है फॉरेन पॉलिसी डेवलप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एग्जिस्ट करता है नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है इसका बेसिस डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्स जोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिनरल रिसोर्स क्लाइमेट पॉपुलेशन फैक्टर्स कल्चरल फैक्टर्स साइज ऑफ पॉपुलेशन स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपोर्ट हर जगह पे अलग अलग चीज़ें होती हैं और ज्योलॉजिकल फैक्टर्स हर जितने भी फैक्टर्स वो सारे अलग अलग होते हैं इसलिए क्या होता है वो होता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं अभी हम ये पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड तो जो वैल्यू में ऑफ ट्रेड होता है वॉल्यूम ऑफ क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डायरेक्शन क्या होता है वो भी होता है जैसे कि कॉलोनाइजेशन पीरियड में हमारा क्या हुआ था जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका ट्रेड क्या हुआ था एशिया के साथ ज़्यादा बढ़ गया था तो वो एक डायरेक्शन था बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि ट्रेड को बैलेंस कैसे किया जाता है अगर किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल हो रहा है तो वो क्या हो गया बैलेंस हो गया लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है अब कंट्रीज़ में किसी भी कंट्रीज़ में तो वो हो गया कि निगेटिव हो रहा है और जो इम्पोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो हो गया कि कंट्री का पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है पॉजिटिव बैलेंस हो रहा है नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बायोलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड बायोलेटरल क्या होता है कि किसी भी किसी दो कंट्रीज़ में हो रहा है और मल्टीलेटरल बहुत सारे कंट्रीज में अगर ट्रेड हो रहा है नेक्स्ट हमारा केस ऑफ फोर फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड में सबसे मेन पॉइंट क्या है? था हमारा डम्प्ड गुड्स आया था कि अगर जैसे डम्प्ड गुड्स होता क्या है अगर किसी भी कंट्रीज़ में किसी भी चीज़ का दाम कुछ और है और किसी कंट्रीज में कुछ और है तो वो क्या हो गया डम्प गुड्स और ये बहुत ही हार्मफुल होता था नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या हुआ कि जब जी ए टी टी हमारा जो था वो जब फॉर्म हुआ था तो वो नाइनटीन फोर्टी एट में फॉर्म हुआ था लेकिन क्या हुआ वो डब्ल्यू टी ओ में कन्वर्ट हो गया नाइनटीन नाइन्टी फाइव में और ये क्या करता था मेंटेन करता था ग्लोबल रूल्स को बिटवीन नेशंस और जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको रिजॉल्व करता था और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता था रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स ये क्या था एस सी एन सी आई एस यू लाइफा नाफ्ता साफ्ता ये क्या था एसोसिएट एसोसिएशन थे जो कि फ्री ट्रेड करने के लिए इनक्रेज करते थे उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे नेक्स्ट हमारा कॉन्सर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड रीजनल स्पेशलाइजेशन हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्ल्ड वाइड एबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये क्या होता था रीजनल स्पेशलाइजेशन मतलब हर जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं सारे में प्रोडक्शन जो है गुड्स का उसका क्या होता था लेवल हाई होता था बेटर स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग ये क्या होता था जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था हमारा वो हमें बेटर स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग देता था मतलब कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो हमारी कंट्रीज़ में नहीं है तो वो हमें किसी और कंट्री से मिल जाती थी इस, इजिली मिल जाती थी इसलिए क्या है ये ये सारी हैं नेक्स्ट हमारा गेटवेज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड गेटवेज़ मतलब कहीं से भी ऐसा कौन सा जगह है क्या है वो जहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था गुड्स का तो वो क्या था हमारा पोर्ट्स था पोर्ट्स से होता था पहले भी होता था और आज भी होता है एनसीन टाइम में सी पोर्ट्स का ज़्यादा यूज होता था प्रोवाइड फैसिलिटीज टू कार्गो एंड पैसेंजर ये क्या करता था कार्गो और पैसेंजर जो है उसको क्या करता था फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था प्रोवाइड डॉकिंग लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर कार्गो यहाँ से स्पेशली क्या होता था लोडिंग और अनलोडिंग होता था मेंटेन नेविगेबल चैनल्स ये क्या करता था नेविगेबल नेविगेबल चैनल्स को भी मेंटेन करता था प्रोवाइड लेबर मैनेजरियल सर्विस मैनेजेरियल सर्विस ये प्रोवाइड करता था द क्वान्टिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाई द पोर्ट्स इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड जो कार्गो है वो कितना जो पोर्ट्स है वो कितने कार्गो कार्गो को हैंडल करते हैं वो क्या था इंडिकेटर था कि इंडरलैंड का कितना डेवलपमेंट हो रहा है तो ये था हमारा टॉपिक गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पोर्ट्स बेस्ड ऑन कार्गो हैंडल जो कार्गो हैंडल पे बेस्ट थे वो कौन कौन से पोर्ट्स थे इंडस्ट्रियल पोर्ट्स थे कॉमर्शियल पोर्ट्स थे और कॉमर्स कॉम्प्रीहेंसिव थे इंडस्ट्रियल पोर्ट में स्पेशली क्या होता था जो ग्रेन्स थे ऑयल्स वगैरह थे उनका जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था कॉमर्शियल में क्या होता था जो पैकेज प्रोडक्ट्स होते थे मैनुफैक्चर्ड होते थे उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था और कम्प जो कॉम्प्रीहेंसिव था वो भी कुछ ऐसा ही था उसमें भी क्या होता था जो बल्क जनरल कार्गोस थे लार्ज वॉल्यूम्स के जो थे उनका क्या होता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था बेस्ड ऑन लोकेशन तो लोकेशन पे कौन कौन से है इनलैंड पोर्ट्स से और आउटपोर्ट्स हैं इनलैंड पोर्ट्स क्या होता है जो सी पोर्ट से कुछ दूरी पर होते थे और वहाँ तक सी कैसे आता था मेन पोर्ट्स तक तो कैनल वगैरह के थ्रू आ जाता था रिवर्स के थ्रू आता जाता था आउटपोर्ट्स क्या होते हैं तो आउटपोर्ट्स भी क्या होते हैं वो जो एक्चुअल पोर्ट्स होता है उनसे दूरी पर ही बने हुए होते हैं और जो लार्ज जो शिप होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं इसलिए छोटे छोटे शिप से मेन पोर्ट्स तक लाया जाता है एक्चुअल पोर्ट्स तक लाया जाता है बेस्ट ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑयल पोर्ट्स हो गया पोर्ट्स फॉर कॉल हो गया ऑयल पोर्ट्स जिससे ऑयल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है स्पेशली पोर्ट्स फॉर कॉल किसी भी काम के लिए जहाँ से कॉल किया जाता है वो हो गया सिप्स को कॉल किया जाता है पैकेट स्टेशन इसको क्या कहते हैं फेरी पोर्ट्स भी कहते हैं नेक्स्ट हमारा इंटर पोर्ट पोर्ट्स और फिर हमारा नेवल पोर्ट्स तो ये सारा हो गया कि हमारा बेस्ट ऑन स्पेशलाइज फंक्शन इनका क्या है सबका अलग अलग फंक्शन है हमारे जो पोर्ट्स थे वहाँ पर सबका क्या है अलग अलग फंक्शन है ठीक है तो ये चैप्टर हमारा बेसिकली यहीं पे ख़त्म होता है ये टॉपिक और ये चैप्टर भी तो थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक